अस्सलाम वालेकुम, मैं बना रही हूँ आम का मुरब्बा। इसके लिए मैंने 1.5 किलो आम लिए हैं। ये आप लोगों ने मीठे आम लेने, खट्टे नहीं लेने, कच्चे और मीठे आम, कलमी आम जो होते हैं। इसको हम छील लेंगे। छिलका अच्छी तरह उतारिए। अच्छी तरह उतार के ना छिलका पूरे आमों का, ये ग्रीन ना रहे ऊपर। ये मैंने सारा छिलका उतार लिया है, ऐसे दूसरे आमों का भी उतार लेती हूँ। ये देखें मैंने सारे छील लिए। अब इसका गुद्दा उतार लूं, उतार के छोटे पीस करते हैं। इस तरह से जैसे भी आपका दिल करता है ना, छोटे ज्यादा छोटे करने हैं ज्यादा छोटे कर लें, बड़े बनाने हैं बड़े बना लें। ये देखें ऐसे काटने। इसको भी ऐसे काट लेंगे। दूसरा भी काट लेते हैं। एक तीला लिया है मैंने, इसके नीचे फ्लेम ऑन करते हैं। इसके अंदर आम डालते हैं। एक किलो मेरे पास आम है और 1 किलो चीनी है, ये दोनों डाल देते हैं। पानी बिल्कुल नहीं डालना। फ्लेम तेज होनी चाहिए आपकी। ये मेरे पास आधा कप सिरका है, ये इसके अंदर जाएगा, इससे मुरब्बा खराब नहीं होता, पानी नहीं डलेगा इसके अंदर। और चीनी के पानी में पकेगा ये सारा। ये 5-6 अदद छोटी इलायची है, ये इसके अंदर जाएगी। ये अच्छी तरह चीनी मिक्स कर लें साथ, ये अपना पानी छोड़ देगी।
ज्यादा अच्छा बनता है घर में साफ सुथरा। ये जरूर बनाएं, बच्चों को भी दें। आमों का सीजन है, जितना मर्जी बना के रखो। किन्नी ने पानी छोड़ दिया अपना। इसका रंग गोल्डन होने तक पकने देंगे। अच्छी तरह गलना चाहिए। हाँ, अब ये चीनी में सारा पकेगा, चीनी के पानी में। आप जरा काम कर दी। ये 20 मिनट मीडियम आग पे पका है। इसका कलर ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है। ये देखिए ऐसा है कलर इसका। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। देखिए थोड़ा सा येलो कलर डालेंगे इसके अंदर। अगर आपको नहीं पसंद तो ना डालें। कलर जरा थोड़ा सा अच्छा लगता है येलो, इसलिए डालना। ये देखिए अब इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। आग हल्की होनी चाहिए, मीडियम से कम। दस मिनट हो चुके हैं, अब ये तैयार हो गया है। ये देखें ऐसा है कलर इसका। ये देखें, अब इसको प्लेट में निकालते हैं। इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। बहुत मजे का बनता है, आप इसको जरूर ट्राई करें। ये 6 महीने भी रख सकते हैं आप, इसको खराब नहीं होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कैसी बनी।